नीट में धांधलियों के आरोप को लेकर के कांग्रेस इस समय प्रदर्शन कर रही है। ये यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन है, जहां पर जो नतीजे आए हैं और जिसमें लगातार कई सारे छात्रों की तरफ से ये शिकायत भी की गई कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है। अब उसकी सियासी गूंज भी दिल्ली की सड़कों पर दिखाई देने लगी है और इस समय ये कांग्रेस के प्रोटेस्टर्स हैं, युवा कांग्रेस के जुड़े हुए, यूथ कांग्रेस के, जो दिल्ली में अपने हेडक्वार्टर्स पर इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि सुरक्षा का बहुत सख्त इंतजाम है, क्योंकि आज ही नए कैबिनेट का शपथ ग्रहण भी होना है कुछ घंटों के बाद, इसीलिए नई दिल्ली इलाके में इस तरीके के प्रोटेस्ट की इजाज़त नहीं दी जा रही है। लेकिन कोशिश यही है कि यहाँ पर तमाम जो नेता हैं वो यहाँ बैठ करके यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या क्या डिमांड है आप लोगों की? हम नीट की परीक्षा को रद्द करने की मांग करते हैं सरकार से। क्या ये जो आज का प्रोटेस्ट है, आज तो प्रधानमंत्री शपथ भी ले रहे हैं, तो उसके लिए रखा गया समय भी? नहीं नहीं, नहीं हमने प्रधानमंत्री से कोई गिला शिकवा नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि बच्चों के, युवाओं के जो भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है वो ना हो। आप देखिए कितने बच्चों को एक ही रैंक दिया गया, 67 बच्चों को एक रैंक कैसे आ गया, एक रूम में बैठे बच्चों को 8 बच्चों को सेम नंबर कैसे मिल गए। ये बच्चों पर ये यूथ कांग्रेस के तमाम नेता हैं जो इस समय इन बैरिकेडों पर चढ़े हुए हैं। कोशिश की जा रही है अपनी आवाज उठाने की कि जो नीट में गड़बड़ियां हुई है, नीट परीक्षाओं में कथित तौर पर जो गड़बड़ियां हैं, उन गड़बड़ियों का आरोप है और इसीलिए परीक्षा रद्द करने की तत्काल मांग कर रहे हैं और इस पूरी जो परीक्षा में गड़बड़ियां हुई हैं उनकी जांच की भी डिमांड ये यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता इस समय करते हुए। Okay.